यूपी के गोरखपुर में मासूमों की मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन यूपी के सीएम का हालिया बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे अस्पताल में बच्चों के साथ साथ सरकार के मुखिया की इंसानियत भी मर चुकी है। बच्चों पर जो बयान योगी ने हाल में दिया है, ऐसा बयान तो दिल में पत्थर रखने वाला आदमी भी नहीं दे सकता। योगी जी, आप होंगे कठोर, आप होंगे फौलादी पुरुष, लेकिन एक सरकार कैसे चलाई जाती है, जरा अपने मुखिया मोदी जी से ही सीखिए। सरकार चलाना यानी वाचा कर्मणा, वचन और कर्म दोनों का सामंजस्य बिठाकर चलती है सरकार। जनता जब आपको अभिभावक चुनती है तो फिर अभिभावक को अपनी जुबान से निकले एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। 2 साल के बच्चों की सरकारी जिम्मेदारी वाले योगी के हालिया बयान में न तो परिपक्वता है और न ही संवेदनशीलता। योगी बोले तो एक लापरवाह नेता की तरह बस बोलते ही चले गए। एक पल के लिए भी योगी ने यह नहीं सोचा कि जिनके बच्चे गोरखपुर के अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही और मेडिकल फैसिलिटी न होने से मर रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। सूबे के सीएम होने के नाते उन्हें लोगों के घावों पर मरहम लगाना चाहिए था, पर योगी जो कुछ कह रहे थे उसने शायद जख्मों को और गहरा ही किया होगा। योगी आदित्यनाथ सीएम तो बने, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि अभी वो अपने वरिष्ठों से काफी पीछे हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से ही सीखना चाहिए कि लगातार भाषण देने और विपक्षियों पर तीखे हमले करने के बावजूद मोदी ने आज तक एक ऐसी बात नहीं कही जो जनता के दिल को चुभे। 3 साल के शासन से पहले मोदी एक दशक तक गुजरात के सीएम रहे, वहां भी वो जमकर भाषण देते थे। गुजरात के बारे में बात करते हुए मोदी कहते थे कि मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ऐसे सीएम हैं जिन्हें अभी सीएम पद संभाले 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन वो जुबान से डिरेल होने लगे हैं। हो सकता है योगी ये कहना चाहते हो कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन योगी के इसी बात को कहने का जो अंदाज था वो किसी के भी गले नहीं उतरा। हिंदुस्तान लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ संविधान में ये बात सुनिश्चित की गई है कि यदि माँ बाप अपने बच्चे के पालने में सक्षम नहीं रहते तो राज्य आगे बढ़कर ऐसे बच्चों को पालेगा पोसेगा। ऐसे देश के सबसे बड़े सूबे में से एक के मुखिया ने जिस तरह की बात की है वो वाकई हैरान और परेशान करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगी से कहना चाहते हैं कि योगी जी, भले ही आपके मुंह में जुबान हो ना हो, लेकिन सीने में दिल जरूर रखिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।